हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करने वाला हूं। और वो मनोकामना क्या होने वाली है वो आपको पता चली जाएगा अभी। और वो मनोकामना सबकी थी ये कि जो हमारा मॉन्स्टर टैंक में था एक जेलीफिश, जो कि एक टॉय है देख सकते हैं, लेकिन ये टॉय जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और जो इसके अंदर का धागा लगा हुआ है देख सकते हैं कितना छोटा हो चुका है, और ये अब नीचे बैठा रहता है देख सकते हैं। आपको पूरा टैंक दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं ये टैंक में बहुत ज़्यादा अब छोटा लगने लगा है। और आप काफ़ी सारे लोग से कह भी रहे थे कि इसे हटा दीजिए क्योंकि ये टैंक में बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो आज मैं इसको हटाने वाला हूँ, और इसे हटा के मैं इस टैंक में रखने वाला हूँ ताकि यहाँ कुछ और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे ये। और इसकी लाइटिंग थोड़ी अलग भी है, ब्लू है, और इसकी थोड़ी वाइट ब्लूइश है, तो क्या पता इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा लगे और आप सबकी मनोकामना पूरी भी हो जाएगी और आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो ये तो जेलीफिश है, तो जेलीफिश को आज निकाल बाहर फेंकेंगे तो नहीं, देख सकते हैं ये उड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन आप लोग के कहने पे हम आज इसे हटाने वाले हैं। और देख सकते हैं बाकी हमारा टैंक तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ही, हमने कल ही धोया था इसे, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है। और आप लोग की एक थोड़ी सी मदद भी चाहिए मुझे, जो आप लोग पूरी कर सकते हैं। और वो मदद क्या है कि जो आप लोग मेरे इतने सारे फिशेस देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं इसमें कितनी सारी फिशेस हैं, और हर एक फ़िश के लिए एक एक नाम बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसमें बड़ी ऑस्कर, छोटी ऑस्कर, पैरोट ये सब कहते हैं। तो आप इसका नाम बताएं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और बुलाने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं इसे इन्हें बड़ी ऑस्कर, छोटी ऑस्कर ये सब कहता हूँ। तो आप कमेंट करके नाम भी बताएं, और जल्दी से मैं इसे हटाता हूँ और इसमें लगा के देखते हैं, अगर इसमें अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो उसे हटा देंगे। तो चलिए इसे निकालते हैं। ये देखिए हम अभी जेलीफिश को निकालने ही वाले हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा है तो मुझे इस डंडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये देखिए इसको सबसे पहले हम पत्थर से बांध चुके थे, तो उसे पहले हटाना पड़ेगा ये पत्थर को, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। और एक भाई का सवाल भी था कि आपकी फ़िश आपको काटती नहीं है, तो ये देखिए दोस्त मैं अपना पूरा हाथ अंदर डाल चुका हूँ और वो मछलियाँ मुझे कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि मैंने इसे बचपन से पाला है इसीलिए ये मछलियाँ मुझे कुछ नहीं करती, देख सकते हैं। ये पैरोट है, गदी सी, आटी सी भी है, और ये बड़ी बड़ी फिश आ भी रही है, कुछ नहीं करेगी मुझे पता है, पूरा यकीन है। तो जल्दी से उसे निकालते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं उसे निकाल के ये कैसे वर्क करता है और इसमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है ये सब करना, देख सकते हैं पूरा अंदर तक मैंने हाथ डाल दिया है, और ये पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है इसका जो, ये देखिए आखिरकार ये निकल ही गया। ये देख सकते हैं यहाँ सेवरम बैठी हुई है हमारी प्यारी सी, बहुत ज़्यादा बढ़िया फिश है ये, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं डरती देख सकते हैं, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरती। और मैंने इसे बहुत बार पकड़ा भी है, जब भी मैं हाथ अंदर डालता हूँ तो एक बार मैं इसके साथ खेलता ज़रूर हूँ। ओए तो इसका कोई ना कोई नाम रखना बहुत ज़रूरी है, मैं तो इसे प्यार से गुड़िया ही सोचता हूँ बुलाने का, लेकिन ये मुझे आती ही नहीं मेरे पास, देख सकते हैं। और आरटीसी से भी हम नहीं डरते, पता नहीं लोग आरटीसी से इतना डरते क्यों हैं। और ये है हमारा जेलीफिश, और लोग इसको सब असली जेलीफिश समझते थे, लेकिन ये भाई साहब ये एक टॉय है, बहुत अच्छा टॉय है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अभी से इसमें डालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, और पता नहीं इससे अच्छा लगेगा कि नहीं। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज भी हैं, तो उन्हें खेलने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा ही आएगा इसमें। तो जल्दी से मैं इसे फिक्स करता हूँ यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे मुझे देख के करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। डालने से पहले हम इसे पहले अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, क्योंकि हम दूसरे टैंक से अपने दूसरे टैंक में डाल रहे हैं, तो एक बार वॉश करने में कोई बुराई भी नहीं है, और आपको भी करना चाहिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं दूसरे पानी से या फिर इसमें पानी में रह रहे हैं, क्योंकि सब पानी अलग अलग होता है और जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो भी अलग होते हैं, जो कि हमारे बड़े फिश अच्छी तरीके से उसे टॉलरेट कर सकते हैं, वो हमारी छोटी नहीं कर सकती। तो ये सब का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, इस वजह से हम इसे अभी वॉश करेंगे। और देख सकते हैं क्या मस्त दिख रहा है ये जेलीफिश, तो चलिए इसे वॉश करते हैं। डालते हैं अब इसे, और ये देखिए मछली लोग यहाँ पे बहुत धूम मचाने लग चुके हैं पहले से, और इस मछली से तो कोई डरता भी नहीं होगा, इसको तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को कि आप इसमें हाथ डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फिश होता है। इसे आप अपना मैनीक्योर पेडीक्योर दोनों करा सकते हैं, पेडीक्योर करा सकते हैं, मैनीक्योर तो नहीं करा सकते। तो चलिए अब इसे लगाते हैं, और यहीं पे लगाएंगे ताकि ये अच्छा भी दिखे और कुछ अलग भी लगे। टडा,
बुलबुले निकाल लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे। टडा, ये देख सकते हैं अब ये कुछ और भी ज़्यादा मज़ेदार और अनोखा भी लग रहा है। ये टैंक पहले बहुत ज़्यादा सिंपल और पीसफुल था, लेकिन अब ये देख सकते हैं ये कुछ ख़तरनाक लग रहा है। बीच में एक स्टैचू है और बगल में पता नहीं एक बहुत बड़ा सा राक्षस ऐसा लग रहा है, और ये अब पहले से ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताएं ये कैसा दिख रहा है। और अब देखिए हमारे टैंक का लुक दूर से आपको दिखाता हूँ मैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कुछ ख़तरनाक चीज़ है इस टैंक में। और अब जो इसमें टेट्राज हैं, छोटी छोटी ग्लोफिश है, वो उसके अंदर जाके घूमेंगी तो काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छा लगेगा। देख सकते हैं कलरफुल फिशेज हैं, और मैं और कलर वाली फ़िश लाने वाला हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और जो मेरा ये नया डेकोरेशन है वो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, और नाम देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको अभी फ़िल्टर ऑन करके भी दिखाता हूँ कि क्या धमाकेदार होने वाला है। क्या पता, मुझे भी पता नहीं है क्या होने वाला है आगे। फ़िल्टर ऑन करने के बाद वो कहीं फेंकाता है या नहीं फेंकाता है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए जल्दी से फ़िल्टर ऑन करते हैं। यहाँ से होता है हमारा फ़िल्टर ऑन, तो इसे लगाते हैं। अब ये देखिए ये चालू होने के बाद तो ये सीधा इधर उधर होने लग गया, और ये तो होना ही था क्योंकि उसका फ्लो ही इतना तेज़ है। और लेकिन हम उसे ऑन करके रखते नहीं हैं क्योंकि हमारी फ़िशेस को दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन करता है पानी का, देख सकते हैं ऊपर से आपको दिख रहा होगा। और वैसे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है उसे, बस वो हल्का सा हिल रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से हिल रही है, जैसे एक जेलीफिश हिलता है। ये देखिए जुप जुप ऐसे लग रहा है, हार्ट बीट है, हार्ट बीट जैसा हो रहा है ये। तो अभी हम उसे थोड़ी देर में बंद कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।